पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम, कातिल डोर से शहरियों की गर्दनें कटने लगी। फैक्ट्री एरिया में कातिल डोर ने दो शहरियों को जख्मी कर दिया। 35 साल मोटरसाइकिल सवार माजिद और फकीर हुसैन गले में डोर फिरने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज लंदन चले गए। कतर एयरवेज की परवाज से बारास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। वालिदा, भाई और कारकुनों से मुलाकातें करेंगे। हमजा शहबाज की 13 फरवरी को वतन वापसी शेड्यूल। नवाज शरीफ का सर्विस अस्पताल में दूसरा रोज इब्तदाई टेस्ट मुकम्मल, सेहत तसल्ली बख्श करार। आज लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर के टेस्ट होंगे। एक्सरे भी किया जाएगा, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुआयना करेंगे। 6 रुकनी बोर्ड में साबिक चीफ जस्टिस के भाई डॉक्टर साजिद निसार भी बोर्ड का हिस्सा। कायद से इजहार यकजहती, सर्विस अस्पताल के बाहर लीगी कारकुनों ने कैंप लगा लिया। नवाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं और कुरान खानी। नवाज शरीफ के अस्पताल में रहने तक यहां से नहीं जाएंगे लीगी कारकुन। अस्पताल की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मरीजों और लवाहिकीन को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। सानिया साहिवाल पर बड़ी बैठक लगेगी। जीआईटी की तहकीकात पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल। पंजाब की मीडिया टीम को भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर इत्तला'आत भी मीडिया टीम में शामिल। सानिया साहिवाल, लवाहिकीन ने एक बार फिर जीआईटी को मुस्तरद कर दिया। मकतूल खलील के भाई कहते हैं जीआईटी को नहीं मानते, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सीरीडी ने उल्टा हम पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात के लिए हमें नहीं बुलाया गया, हमारे जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। एडवोकेट शहबाज बुखारी कहते हैं मकतूलीन के बच्चों की मदद का हुकूमती वादा भी वफा न हुआ, वफाकी हुकूमत तहकीकात में मदद करे। मोटरसाइकिल सवार हैं होशियार, हेलमेट के बाद लेन की पाबंदी भी जरूरी। लेन की खिलाफ वर्जी पर चालान कटेगा। केनाल रोड पर ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम, पाबंदी न करने पर एक हफ्ते के बाद शहरियों को जुर्माने करेंगे ट्रैफिक पुलिस। और क्लीन ग्रीन और खुश इखलाक मुहिम का तीसरा रोज, वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कैंट स्टेशन का दौरा, पौधा भी लगाया। इंतजामिया ने रेलवे स्टेशन पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए। शेख रशीद अहमद।